ये होता है विकास का डबल इंजन। साथियों, कांग्रेस ने अपने राज में कैसे हिमाचल को धोखा दिया है, मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब केंद्र और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कांग्रेस यहां भी कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने तय किया कि हिमाचल को जो विकास के प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें 100 में से 40 रुपये हिमाचल की जनता को देने ही होंगे। अगर 40 रुपया हिमाचल की जनता नहीं देगी तो दिल्ली 60 रुपये भी नहीं देगी, काम लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा। अब हिमाचल जैसा छोटा राज्य हर चीज में 40 रुपया कहां से लाएगा? यहां के हमारे पहाड़ी लोग, भले भोले लोग, ईमानदारी से जीने वाले लोग, ये 40 रुपये कहां से लगाएंगे? सरकार की तिजोरी में पैसा आएगा कहां से? नतीजा ये हुआ कि हिमाचल में विकास की सारी योजनाएं ठप हो गई। जब आपने मुझे दिल्ली भेजा, मुझे जिम्मेवारी दी, मैं तो हिमाचल से बहुत परिचित था। यहां क्या करेंगे तो हिमाचल का भला होगा, हम क्या करेंगे तो हिमाचल के नौजवानों का भाग्य सुरक्षित होगा, ये मैं तो भली बात ही जानता था। हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई मैं हिमाचल को जानता हूं, ये 40 रुपये वाला निकालो, अब 90 रुपया भारत सरकार देगी, सिर्फ 10 रुपया टोकन हिमाचल को देना होगा। ये डबल इंजन की सरकार करती है भाई, तब हिमाचल आगे बढ़ता है। आज देखिए 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को मिल रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपये के तो सिर्फ नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट आज हिमाचल को चल रहे हैं। आज पूरे हिमाचल में 4 लेन नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटोर हो, पठानकोट, पालमपुर, गगल मंडी हो, ये प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे तो यहां आपके लिए सुविधा बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, आज जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल के युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार युवाओं के लिए लगातार नए मौके बना रही है। अभी केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का अभियान चला रखा है। जैसे ही यहां भाजपा की सरकार बनेगी, हिमाचल में भी रोजगार मेलों का अभियान तेज किया जाएगा। साथियों, हिमाचल का औद्योगिक विकास भी यहां रोजगार के नए अवसर बना रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिल रहे हैं। हिमाचल देश के उन 3-4 राज्यों में से हैं जहां ये उद्योग लग रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने यहां लोगों की सुविधाओं भी बढ़ाई है और युवाओं को रोजगार भी दिया है। अब भविष्य ऑप्टिकल फाइबर के मजबूत नेटवर्क का है, 5G का है। हिमाचल के नौजवानों को, हिमाचल के जीवन को, हर क्षेत्र का कायप करने की क्षमता, ये कायाकल्प होगा 5G से होने वाला, 5G से होने वाला है। इसे दूर दराज के गांवों में भी शहर के स्कूलों की तरह ही अच्छी पढ़ाई सुलभ हो जाएगी। 5G से घर बैठे ही शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की जाँच हो पाएगी, घर बैठे ही दवाएं मंगा पाएंगे। साथियों, हिमाचल को बने 75 साल हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक यहां सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी थी, 2 मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई के लिए तो स्कोप ही नहीं था। कांग्रेस को इतने साल अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। आज देखिए, हिमाचल में राज्य की 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉलेज है, IIIT है, IIT में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, IIM है, एम्स है,
नए मेडिकल कॉलेज है, ऐसे अनेक संस्थान जो कभी हिमाचल का सपना होते थे वो आज हकीकत बन गए हैं। ये काम किसने किया? ये डबल इंजन सरकार का काम है, जिसका लाभ हिमाचल के युवाओं को, पूरी आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। भाई और बहनों, भाजपा हिमाचल के युवाओं के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा के चंबी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि बंगाल में 50 साल से कांग्रेस नहीं लौटी, हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को लौटने नहीं देना है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने युवाओं के सपने को कुचला है। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन